वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो अपडेट होने वाली है, मझगांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट किया गया। और जो वैकेंसीज होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ना होकर परमानेंट बेस पे वैकेंसीज रहने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे भी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन परमानेंट बेसिस, तो परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज निकाली गई है मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से। तो कौन कौन सी ट्रेड के लिए निकाली गई है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, ITI अप्रेंटिसशिप डिग्री डिप्लोमा 10th सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है, तो डिस्कस करेंगे वीडियो में, लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले कौन अप्लाई कर सकता है, तो इंडियन नेशनल्स, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करे जाएंगे। 25 नवंबर 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। 16 दिसंबर 2024 को ये लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। अब कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है वो चेक करते हैं। ग्राइंडर के लिए 6 पोस्ट, वेल्डर के लिए 27, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की 7 है, इलेक्ट्रीशियन की 24 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 10 पोस्ट, फिटर के लिए 14 पोस्ट, 10 पोस्ट गैस कटर की, हिंदी ट्रांसलेटर की 1 है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 10 है, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की 3, कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल की 7, कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की 3, मिलवर्थ मैकेनिक की 6 पोस्ट है। इसके अलावा मशीनिस्ट में 8 पोस्ट, प्लानर मैकेनिकल की 5, प्लानर इलेक्ट्रिकल की 1, रिगर की 15 पोस्ट, स्टोर कीपर यानी स्टोर स्टाफ के लिए 8 पोस्ट है, फैब्रिकेशन के लिए 25 पोस्ट है, यूटिलिटी हैंड स्किल्ड कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट, वुड वर्क यानी कारपेंटर ट्रेड वालों के लिए 5 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अब जाते हैं सेमी स्किल्ड वाली कटेगरी में। सेमी स्किल्ड में फायर फाइटर की 12 पोस्ट है और यूटिलिटी हैंड के लिए 18 पोस्ट है। स्पेशल ग्रेड में मास्टर फर्स्ट क्लास की 2 पोस्ट और लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर की 1 पोस्ट, टोटल 234 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। अब इनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन पे आपको मांगा गया। सबसे पहले ग्राइंडर में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपकी किसी भी ट्रेड का है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सी बिल्डिंग लिमिटेड में, यानी सी बिल्डिंग में इंडस्ट्री में आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेल्डर में आपके पास NAC सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर में, हो या इस तरह जो वेल्डर की अलग अलग कटेगरी आती है, पाइप वेल्डिंग, प्रेशर वेसल, एडवांस वेल्डिंग, इनमें से किसी में भी आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन से आपके NAC सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए सी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए केवल अप्रेंटिसशिप आपकी मांगी गई है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी सेम सीन है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी इन सभी ट्रेडों से, या आप देख पा रहे हैं इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आते हैं फिटर में, फिटर में भी अगर आपकी अप्रेंटिसशिप फिटर ट्रेड से, या मरीन इंजीनियर फिटर की है, या शिप बिल्ड स्टील से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका किसी भी अदर ट्रेड में, किसी भी मैकेनिकल ट्रेड में है, लेकिन आपने काम करा है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में या सी बिल्डिंग इंडस्ट्री में 1 साल तक, तब भी आप इस फिटर वाली ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर गैस कटर में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ट्रांसलेटर में हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश, यानी हिंदी इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री में, डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में भी आपका NAC सर्टिफिकेट चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल स्ट्रीम में, जो कि NCVT के द्वारा दिया जाता है, वो वाला आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल में भी आपका डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए इन सभी ब्रांचेस में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्वालिटी इंस्पेक्टर में, ये आप देख पा रहे होंगे, डिग्री डिप्लोमा आपके पास इन सभी ब्रांचेस में होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिस भी पोस्ट में आप एलिजिबल हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मशीनिस्ट में आप देख पा रहे होंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा गया है, मशीनिस्ट या मशीनिस्ट ग्राइंडर में NAC सर्टिफिकेट मांगा गया है। रिगर में आप देख पा रहे होंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रिगर ट्रेड से अगर आपके पास है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए डिप्लोमा और डिग्री मांगी गई है इंजीनियरिंग ब्रांचेस से, जो भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं जितनी यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, इनमें से किसी भी उससे आपने पॉलिटेक्निक या बीटेक करी है तो आप अप्लाई, बीटेक करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन में, स्ट्रक्चरल फिटर या स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर से आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं यूटिलिटी हैंड स्किल्ड में, इसमें फिटर ट्रेड वाले अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वुड वर्कर टेक्नीशियन में, जो कि कारपेंटर ट्रेड से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है नेशनल अप्रेंटिसशिप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फायर फाइटर में आ जाते हैं, फायर फाइटर में 10वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं विद आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए फायर फाइटिंग का, मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन का, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, तभी आप फायर फाइटिंग में, यानी 10वीं प्लस फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो भी है मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए, और साथ में हैवी ड्यूटी व्हीकल लाइसेंस यानी हैवी लाइसेंस आपको चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं यूटिलिटी हैंड में, तो इसमें भी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सी बिल्डिंग लिमिटेड में। तो काफ़ी लेंथी हो जा रही वीडियो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास इंजन में एक दो पोस्ट जो है उसके आप देख सकते हैं, मैरीटाइम बॉर्डर से आपका जो लाइसेंस रहता है वो आपको मांगा गया। अब आ जाते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और एज लिमिट वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे वीडियो में। सबसे पहले सैलरी पे स्केल, आप जो स्पेशल ग्रेड के लिए 22,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी, 83,180 तक आपका बेसिक पे रहने वाला है। स्किल्ड ग्रेड वन के लिए 17,000 से लेकर 64,360, ये सब बेसिक मेंशन किया गया। और सेम स्किल्ड ग्रेड वन के लिए 13,200 से 49,000 तक आपका पे स्केल रहने वाला बेसिक। एज लिमिट मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट जो है 38 ईयर है, केवल मास्टर क्लास फर्स्ट ग्रेड वालों के इस वाले पोस्ट को छोड़ के बाकी सबके लिए 38 ईयर की एज रहने वाली है। और मिनिमम 18 साल आपकी कब काउंट होगी, 1 नवंबर 2024 को काउंट होने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट 48 ईयर है मास्टर फर्स्ट क्लास ट्रेड के लिए, बाकी सभी ट्रेड के लिए जनरल के लिए 38 एज है। बाकी SC ST OBC के लिए 3 साल 5 साल का जो रिलैक्सेशन रहता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका, और जो रिटर्न एग्जामिनेशन और एक्सपीरियंस पे बेस पे आपको मार्क्स होंगे तब आपको ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, 1/3 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद जो ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, बाकी जो फाइनल मेरिट आएगी वो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के बेस पे ही आने वाली है।
बाकी यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का है, रिटर्न टेस्ट कंडक्टेड 60 नंबर का, और अगर नहीं कंडक्ट किया जाता है इस तरीके से आप कंप्लीटली देख सकते हैं। एक्सपीरियंस का कितने मार्क्स मिलेंगे, 40 मार्क्स, जो ट्रेड स्किल टेस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर है, और मेरिट तब किस पे बनेगी, रिटर्न टेस्ट के उस पर बनेगी या फिर रिटर्न टेस्ट प्लस एक्सपीरियंस के बेस पे बनेगी। तो एग्जाम होगा नहीं होगा वो उस पर उसका पूरा सिनेरियो यहाँ पे आपको समझाया गया है कि एग्जाम होगा तो किस तरीके से मेरिट बनेगी, और एग्जाम नहीं होगा तो किस तरीके से आपकी मेरिट बनने वाली, एक्सपीरियंस वगैरह के बेसिस पे। अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, ये आप देख पा रहे होंगे हाउ टू अप्लाई, तो ये है मझगांव डॉक की ऑफिशियल वेबसाइट, उसके करियर सेक्शन में जाके ऑनलाइन रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव, तो सारे स्टेप आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर रीड करें, बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 25 नवंबर 2024 से 16 दिसंबर 2024, और जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसको आपको सेंड करने की जरूरत नहीं, केवल अपने पास ही संभाल के रखना है, जो हार्ड कॉपी है, नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड, तो ये आपको बताया गया है। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट, इसी तरह की जॉब अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।